तो छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, आप सभी भाई लोग जो कमेंट कर रहे थे कि तीसरा किस्त कब आएगा, ठीक है, तो चलिए फाइनली जो तारीख अनाउंस हो गई है कि तीसरी किस्त कब मिलेगी छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को, उनकी धान की जो अंतर राशि थी जो कि 4 किस्तों में देनी थी, ठीक है, 5700 करोड़ रुपये की, तो चलिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल की जो समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी थी उसका जो तीसरा किस्त है आज यानी कि कल शनिवार के दिन सीएम भूपेश बघेल ने अनाउंस कर दी है कि तारीख जो है 1 नवंबर जहाँ छत्तीसगढ़ स्थापना वर्ष के दिन छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को उनकी धान की अंतर राशि की तीसरी किस्त, ठीक है, 1300 करोड़ करीब जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो चलिए आप लोगों सबको मैं बता देता हूँ भाई लोगों, ठीक है, आखिरकार जो फाइनल जो डिसीजन है जो अनाउंसमेंट है हो गई है, तारीख हो गई है, डेट आ गई है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी धान की अंतर राशि की तीसरी किस्त। तो आप बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ किसान के जो बोनस की राशि की जो तीसरी किस्त है वो 1 नवंबर को DVD के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों के उनके खाते में पहुँचा दी जाएगी। जी हाँ भाई लोग, ठीक है, ये 4 किस्त होने है, ठीक है, तो इसका तीसरा किस्त है और उसके बाद 4th किस्त आएगी जो कि अंतिम किस्त रहेगी, वो भी अनुमानिक जो बता रहे हैं कि इसी वर्ष यानी कि 2020 के अंतिम में दे दी जाएगी या फिर 2021 के जो 1st महीने में उसमें आ जाएगी। फिलहाल ये सब तो मतलब बातें हैं, लेकिन जो अभी जो करेंट जो अब नई अपडेट आ रही है तीसरी किस्त को वो फाइनल है, वो 1 नवंबर को आप सभी किसान भाइयों के खाते में धान की जो तीसरा किस्त है वो आपको मिल जाएगा। जी हाँ किसान भाई लोग, जो पहला किस्त था वो 21 मई को दी गई थी राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर, उसके बाद 20 अगस्त को दी गई थी जो कि राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर, ठीक है, इस तरह से एक निश्चित और बड़ा दिन पर ही जो किसानों के जो खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से एक नवम्बर छत्तीसगढ़ की स्थापना वर्ष है और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन होता है 1 नवम्बर। तो चलिए इस बड़े दिन के बड़े मौके पर छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को, 19 लाख किसान भाइयों को जो है धान का जो किस्त है यानी कि तीसरा जो किस्त है बोनस वो आपको मिल जाएगा भाई DVD के माध्यम से, कि 1 नवंबर को जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो पैसे ट्रांसफ़र होते होते मतलब किन्हीं को 2, 3, 4, 5 इस तरह से मिलेगा, लेकिन सबको मिल जाएगा जैसे कि पहले 1 और 2 किस्त में जिस तरह से आपको पैसे मिले थे किसान भाइयों, उसी तरह से तीसरी किस्त भी आपके खाते पे आ जाएगी। हो सकता है आप लोगों को 1 तारीख को ना मिले तो 2 या फिर 3 इस तरह से आपको मिल जाएगा तारीख में। और 1 नवंबर में दूसरी ओर बड़ा दिन होगा कोंडागांव वालों के लिए, क्योंकि कोंडागांव में भी बहुत सारे विकास कार्यों की शिलान्यास होगा, उस दिन सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन करेंगे। और उस तरह से एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसान भाइयों के लिए जो कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो समर्थन मूल्य से जो धान खरीदी की गई है उसका जो तीसरी किस्त है यानी कि 1300 करोड़ रुपये वो आपको 1 नवंबर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए भाई लोग, इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट अपडेट है के लिए इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने किसान भाइयों किसान मित्रों तक, ताकि ये न्यूज़ जो अपडेट है उनको तक भी पहुँच सके। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर अपना सपोर्ट बने रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, नमस्कार।